गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। आरक्षण के रण में अब अनुसूचित जाति, भानु प्रतापपुर में बड़ी रैली, कहा कि 16% से कम नहीं स्वीकारेंगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के रण में अब अनुसूचित जाति भी कूद पड़ा है। अनुसूचित जाति के लोगों ने शुक्रवार को भानु प्रतापपुर में बड़ी रैली कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अनुसूचित जाति ने पहले निर्धारित 16% आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। अनुसूचित जाति को प्रदेश सरकार के अध्यादेश में 13% आरक्षण दर्शाया गया है। इसके पहले उनका आरक्षण 16% से घटकर 12% किया गया था। अनुसूचित जाति ने अध्यादेश में सिर्फ 1% आरक्षण बढ़ाए जाने पर एतराज जताते हुए 16% आरक्षण देने की मांग की है। अनुसूचित जाति के नेता वरुण खापरे ने कहा कि उनके साथ हो रहे भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण देना होगा। प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण विधेयक पारित किया था, जिसमें अनुसूचित जनजाति को 32%, ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 13% और गरीब स्वर्ण को 4% आरक्षण देने की बात कही है। वर्तमान में बिल राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास लंबित है, उनके हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून बन पाएगा। इधर राज्यपाल ने 14 दिन बीत जाने के बाद भी आरक्षण के विधानसभा से पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अनुसुईया उइके की ओर से पहले कहा गया था कि वह फौरन हस्ताक्षर करेंगी, अब स्टैंड बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज कराई है कि विधानसभा से पारित किए जाने के बाद भी प्रस्ताव पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने तीखे अंदाज में कहा कि विधानसभा में पारित होने के बाद किसी भी विभाग से जानकारी नहीं मांगी जाती, राज्यपाल की ओर से स्टैंड बदला जा रहा है। फिर कहती है कि केवल आदिवासी के लिए बोली थी, आरक्षण सिर्फ उनका नहीं बल्कि सभी वर्गों का होता है। आरक्षण की पूरी प्रक्रिया होती है।